आदर्श वाद के उद्देश्य और उसके बाद पाठ्यक्रम तक हम लोग पहुंचे। आज शिक्षण विधि पर आ गए हैं और कल हमने ये भी कहा था आपसे कि ये जो विधि है और इसके बाद जो शिक्षक अनुशासन विद्यालय ये सब तो हम आदर्शवादी शिक्षा में जो इसके तत्व हैं वो तो ले ही लेंगे, साथ साथ हम इसमें आपका जो मुख्य लक्ष्य रहेगा कि हम आदर्शवाद को किस प्रकार अपने शोध का क्षेत्र बना सकते हैं। ठीक, शिक्षण विधि में आप सबने पढ़ा है प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की थी, जिसको बाद में प्लेटो ने संवाद विधि कर दिया था और उनकी जो बुक है रिपब्लिक वो भी उसी पर ही है। ठीक है, वो उसी का आगे बढ़ा दिया था और संवाद के प्रश्नोत्तर को संवाद के रूप में ले लिया था, इसीलिए हमने वो विधि इसमें नहीं करी है। वैसे भी कई ऐसी विधियां हैं जो इसमें नहीं है। आदर्शवाद के संबंध में एक बात है कि उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग को नहीं लिया, वो बोले कि जो आपका पाठ्यक्रम है और जिस तरीके से आप पढ़ाना चाहते हैं वैसे ही उस विधि का आप प्रयोग करेंगे। इसीलिए कोई ऐसी महत्वपूर्ण विधियां नहीं बताई हैं आदर्शवाद ने। हाँ, हमारी वैदिक काल की जो विधियां हैं या भारतीय दर्शन में या भारतीय विचारकों ने जो विधियां ली हैं वो सब आदर्शवाद में शामिल हैं, चाहे वो अनुकरण विधि हो, चाहे वो खेल विधि हो, चाहे वो करके सीखना जो गांधी जी पर बहुत ज्यादा गांधी जी ने उस पर बहुत ज्यादा बल दिया था। तो ये जो विधियां ये कुछ मुख्य हैं जो आदर्शवाद जैसी चीज के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको यहां पर संजोया है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है दर्शन के क्षेत्र में, जब तक आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं अगर उसके संबंध में आपके अंदर किसी भी प्रकार का कुतूहल ना हो और आप जब तक उसकी शांति ना करें तब तक ये आत्मसात नहीं होगा विषय आपको, ये तब तक आपको आत्मसात नहीं हो सकता है जब तक कि आप इसके आंतरिक रूप से मनन चिंतन करके और सही रूप में, और ये तब हो पाएगा जब आप प्रश्नोत्तर द्वारा वाद विवाद द्वारा इस अपने चिंतन और मनन में जो भी उठ रहा है उसको शांत करेंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड है, ये भी दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है क्योंकि दर्शन विस्तार चाहता है, दर्शन विस्तार चाहता है, थोड़े में आप उसको नहीं बता सकते क्योंकि ये मूल विषय है, इसी से अन्य विषय शामिल हुए हैं, जितने भी विषय आप देख रहे हैं उसका मूल दर्शन है, तो दर्शन को आप समेट नहीं सकते, दर्शन विस्तार चाहता है, जितना विस्तार देंगे, जितना उस पर सोचेंगे, जितना आप समझेंगे और जितना उस पर बातचीत करेंगे उतना ही वो समझ में आएगा, तब तक वो समझ में नहीं आ सकता है, इसलिए ये विधि महत्वपूर्ण है। निगमन है आगमन विधि अरिस्टोटल की थी, यद्यपि अरिस्टोटल ने प्लेटो की उस बात को कि आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, भौतिक जगत ने इसको नहीं माना था, उन्होंने भौतिक जगत को भी सत्य माना था, लेकिन उनकी जो विधि थी उसको एक्सेप्ट किया आदर्शवादियों ने। क्यों आदर्श किया? कि कोई भी विशिष्ट से सामान्य की तरफ और सामान्य से विशिष्ट की तरफ आने का जो तरीका और उसकी जांच वो ये विधि महत्वपूर्ण है उसके लिए, इसलिए इनकी विधि को आदर्शवादियों ने एक्सेप्ट किया था। यद्यपि ये प्लेटो के इनके गुरु थे लेकिन उन्होंने उससे एक कदम आगे बढ़ करके वो चीज की, और वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने डिफरेंट अपने गुरु से किया, इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि भारतीय दर्शन में भी हमारे चाहे विवेकानंद जी रहे, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर रहे, चाहे महात्मा गांधी रहे, उन्होंने सबने कहा कि भौतिक जगत को भी सत्य कहो क्योंकि वो ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए वो भी सत्य है, सत्य से असत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, सत्य से असत्य का वो एक अलग मैटर है। दूसरा है फिर आती चौथी निर्देशन विधि, ये सामान्य विधि है, ये
निश्चित करता है कि आप किस क्षेत्र में बातचीत कर रहे हैं, कौन है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए निर्देशक। स्वाध्याय विधि फिर आ गई आपकी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करें, कल हम लोग इस बात में बात कर रहे थे ना कि एक तरीके से हम आपको पूरा लिख ले आए और अपने पीपीटी में या इसमें आपको किताब का सब कुछ बता दें, उससे क्या फायदा, किताब तो आपके पास भी है और बहुत तरीके की है, बड़े रेफरेंस बुक भी है सबके पढ़ने, लेकिन उनको सबको मिला करके जब चिंतन मनन करके आप उससे कुछ निकाल के या आपको दिया जाए और सबको संजोया जाए, उसके जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में बातचीत की जाए, चाहे वो आदर्शवाद हो चाहे और कोई विचारधारा हो, जब उसके हर एक छोर पर बातचीत की जाए वो सही और वो आपको चाहिए, क्योंकि आप शोध कर रहे हैं, आप शोध के छात्र हैं, वो आपको चाहिए। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि एक दो किताब से ला करके आपको उसमें बता दिया जाए और वो तो सब स्वाध्याय विधि इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो कुछ आपने पढ़ा अपने द्वारा, अपने द्वारा आपने जो कुछ पढ़ा उसका भी आप जब तक चिंतन नहीं करते हैं, तब तक या मनन नहीं करते हैं और उस पर आपको पूरी तरह सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो बात आपकी दर्शन के संबंध में नहीं बनती है, आदर्शवाद के संबंध में विशेष रूप से नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये आदर्शों और मूल्यों की बात करता है, संस्कृत की बात करता है, सभ्यता की बात करता है, इसलिए इस संबंध में। फिर आता है पाठ पुस्तक विधि, इसकी भी कोई वो नहीं है, पढ़ना ही है, बुक से हम दूर नहीं हो सकते, इसलिए लोगों ने, आदर्शवादियों ने इसको महत्वपूर्ण माना। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट, समस्या समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है, आज वर्तमान में भी इसकी बहुत उपयोगिता है, आदर्शवादियों ने भी इस विधि को। फिर महत्वपूर्ण है श्रवण मनन विध्यासन, इस पर कल भी बात हुई थी, ये हमारे वैदिक काल की शिक्षण विधि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, श्रवण मनन और दर्शन के क्षेत्र। वैदिक शिक्षा पूर्ण ही नहीं हुई इसके बिना, तो ये उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है कि श्रवण सुनना, उस पर मनन करना और तर्क विदर के आधार पर अपने को संतुष्ट करना, जब तक आप उसको संतुष्ट और फिर व्यवहार में वो चीज परिलक्षित होनी चाहिए। वैदिक काल में किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा ऐसी नहीं होती थी, गुरु केवल अपने जो छात्र या शिष्य होते थे उनको उनके व्यवहार के द्वारा ही जानते थे कि इसका, इसने पिछला जो कुछ पढ़ाया वो कितना इसको ज्ञान हुआ है, कितना इसने, क्योंकि जब तक वो चीज आपके व्यवहार में नहीं आती है तो वो पूर्ण नहीं होती है, अगर आप व्यवहार तक में परिलक्षित नहीं, और व्यवहार में तब परिलक्षित होती है जब तक आप तर्क विदर के आधार पर उसको समझते नहीं है कि ये सही है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, कौन शिव है, कौन अशिव है, कौन सुंदर है, कौन असुंदर है, जो शाश्वत मूल्यों की बात करते हैं, जब तक हम उस पर पूर्णतः असंतुष्ट नहीं होते हैं तब तक तो वो वही, तभी हम उस चीज को मानते हैं, तभी हम उस चीज पर वो व्यवहार, वो यानी प्रतिक्रिया होती है उस तरीके की, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रोबेल ने खोज खेल विधि दी और प्रश्नोलॉजी की जो अभ्यास आवृत्ति विधि, वो तो सब विधियां हैं ही, मैंने इसीलिए यहाँ पर केवल मुख्य विधि इसलिए मुख्य ली, जो कि इन सारी विधियों को जो भी आदर्शवादी रहे, चाहे भारतीय रहे हो और चाहे पाश्चात्य रहे हो, किसी ना किसी रूप में इन विधियों पर बात की है उन्होंने। नेक्स्ट आ जाता है अनुशासन, आदर्शवाद हर कीमत पर अनुशासन का पक्ष है। आदर्शवाद ये कहता है कि जब तक अनुशासित नहीं होगा बच्चा, तब तक आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तब आपसे, तब तक आपसे नैतिकता की बात कैसे की जा सकती है, ठीक है ना, संयम की बात कैसे की जा सकती है, धैर्य की बात कैसे की जाती है, और जो आत्मा की बात उन्होंने कही है वो भी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो आत्मा होती है वो परमात्मा का अंश होती है, चाहे जितना भी वातावरण आपको प्रभावित कर ले,
आत्मा वही बोलती है जो सही होता है। कभी भी इसको करके देख लीजिएगा, प्रयोग करके देख लीजिएगा, कोई भी गलत काम कहीं भी कुछ कर रहे, एक बार वो आवाज आपके अंदर से आती है, लेकिन वातावरण की जो परिस्थितियां होती हैं उससे वो दब जाती है और व्यक्ति अनैतिक काम या कुछ और करने लगता है और उसी में वो रम जाता है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। सबसे ज्यादा वातावरण प्रभावित हो जाता है। वंशानुक्रम भी इतना कहते हैं कि जहां बच्चा पैदा होता है वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आज के वर्तमान युग में जिस भी तरीके की वो भी पीछे रह जाता है, वातावरण से आप प्रभावित रहते हैं। तो ये वातावरण जो है ये भी महत्वपूर्ण है और इसके लिए उन्होंने अनुशासन की बात की है कि जब तक इंद्रियों पर आपका वश नहीं होगा तब तक आपसे नैतिकता मूल्यों आदर्शों की बात नहीं हो सकती। तो इसलिए वो अनुशासन के पक्षधर थे और स्वतंत्रता को आदर्शों द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। बच्चे को प्रोबेल ने देखिए कहा है, वो आधुनिक जगत के आदर्शवादी थे, उन्होंने कहा था कि बच्चे को उसकी रुचियों के लिए स्वतंत्रता दो कि भाई आप जो वो करना चाहता उसको करने दो, लेकिन ये भी आप देखेंगे कि वो समाज सम्मत या नैतिकता पूर्ण व्यवहार जो शिक्षक द्वारा, तभी तो उन्होंने कहा था माली है, शिक्षक एक माली है, ये भी उसको देखते रहना है कि समाज सम्मत व्यवहार भी करता रहे और उसके लिए स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना पड़ेगा। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में कोई ज्यादा फर्क नहीं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि उसको वहां पर आपको प्रतिबंधित करेगा, नहीं तो उन्होंने साफ कहा था कि बच्चों को की रुचि योग्यता के अनुसार, और सभी मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं, ये भी है कि रुचि योग्यता कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा, लेकिन यहां पर जब हम आदर्शवादी को तो बहुत आदर्शवादी कहते हैं शिक्षक केंद्र पाठ्यक्रम केंद्र ऐसा भी कहते हैं, लेकिन आधुनिक में आते आते हम क्योंकि मनोविज्ञान से प्रभावित हुए और वो बात कहीं तक सही भी है कि बाल केंद्रित, लेकिन बाल केंद्रित पर स्वतंत्रता अनुशासन के साथ। स्वतंत्रता का अगर सही मत देखिए ना, सौ और तल, सौ मतलब है और तल मतलब शासन, वो भी कह रहा है हमारे तो सोचने की वही, हमने कहा ना स्वतंत्रता और सक्षमता में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, स्वतंत्रता को सही अवधारणा के लिए स्वयं से अनुशासित, यानी जो चीज आपको लगता है कि मेरे लिए ये जो अच्छी है तो वही चीज दूसरे के लिए, और जो मेरे लिए खराब है वही दूसरे के लिए खराब है, वो चीज जब आ जाती आप इंद्रिय निग्रह हो जाता है, इंद्रियों में आप कमांड और कंट्रोल, इंद्रिय नियंत्रण, और यही इंद्रिय नियंत्रण अनुशासित व्यवहार, यही अनुशासन, और इसी चीज के पक्षधर थे आदर्शवादी। तीसरा आता है आदर्शवाद प्रभावात्मक अनुशासन पर जोर देता है, प्रभावात्मक अनुशासन और प्रभाव, तो ये तो निश्चित है कि शिक्षक को बहुत अधिक महत्व दिया है, एक आदर्शवादी शिक्षक, और तभी अनुकरण विधि की बात भी हुई है अनुसूचियों ने कि एक आदर्शवादी शिक्षक, और हमारे वैदिक काल में है कि आदर्श उनके सामने एक आइडियल होना चाहिए तब वो उस प्रकार का कार्य कर पाएंगे। तो प्रभावात्मक अनुशासन जो प्रभाव पर ऐसे, तो इस अनुशासन के पक्षधर थे। नेक्स्ट आता है शिक्षक, आप जाएं कि शिक्षक का स्थान मुख्य रूप सर्वोपरि है, क्योंकि पुरानी हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है वो भी गुरु को, अगर गुरु गोविंद खड़े हुई है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाए, उस आदर्श उस पर चल रही है, तो वही चीज आदर्शवादियों ने भी मानी है कि शिक्षक महत्वपूर्ण, शिक्षक सबसे ऊपर है, क्योंकि टीचर अगर नहीं बताएगा तब तक आप वो वातावरण नहीं ला सकते जो आदर्शों का, जिसकी बात आदर्शवाद मूल्यों नैतिकता, वो चीजें तब तक नहीं आ सकती, वो शिक्षक होना चाहिए। इसलिए शिक्षक का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है और शिक्षक में वो सद्गुण शिक्षक के व्यवहार में दिखाई देने चाहिए जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, तो इसलिए शिक्षक महत्वपूर्ण है। शिक्षक की आवश्यकता एक माली की भांति है, हमारे ख्याल से इसको आप लोगों ने कई बार देखा होगा, प्रोबेल ने, ये प्रोबेल का मत था और बहुत सही था कि एक माली की तरह आपको सजोना होगा बच्चों को,
हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है वो यही थी। गुरुकुल में ये नहीं था कि गुरुकुल में पूर्ण व्यक्तित्व की प्राप्ति ऐसे ही नहीं हो जाती थी, उनकी हर एक क्रियाओं पर गुरु ध्यान देते थे, उनकी पूरी दिनचर्या पर, और निश्चित ही उनकी दिनचर्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो वो कैसे होगा, उसमें सुबह से शाम तक वो क्या करेंगे, पूरी दिनचर्या है पूर्ति। ये तो हमारा वर्तमान समय है जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हुआ है, जिसकी वजह से हम उस चीज को आज नहीं ला सकते, नहीं तो गुरुकुल की तरह ही विद्यालय होने चाहिए, बच्चों को वही रखना चाहिए, तब आप उस आदर्श की बात कर सकते हैं जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की धरोहर, तब तक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आदर्श, वो मूल्य, वो नैतिकता नहीं आ सकती। उसको दो तरीके का वातावरण मिलता है, एक घर का वातावरण और एक विद्यालय का वातावरण। वो फंस के रह जाता है कि विद्यालय का वातावरण और घर के वातावरण में। हो सकता है घर का वातावरण ठीक ना हो, विद्यालय के वातावरण, तो वो समझ नहीं पाता है किसको एक्सेप्ट करे। माता पिता गुरु तीनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। माता तो प्रथम शिक्षिका मानी गई, लेकिन जो आदर्श हमारे पुराने ज्ञान परंपरा में दिए हैं वही चीज अगर उसको मिलती है तब वो एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी, हम जिसको कहते हैं संतुलित व्यक्तित्व का विकास, तब हो सकता, तब हो पाता है। और वही कल्पना आदर्शवादी विचारधारा में रही है। शिक्षक प्रामाणिकता की जांच के लिए आवश्यक है, ये तो महत्वपूर्ण है। वही चीज हमने कहा कि शिक्षक जब तक जो कार्य वो कर रहा है उसको प्रमाणित नहीं करेगा कि हाँ ये सही है कि गलत है, तब तक वो पूर्ण नहीं उतरता है। तो जांच के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। यानी एक तरीके से आप देखा जाए तो आदर्शवादी विचारधारा शिक्षक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है, कि शिक्षक और आदर्श, उसके लिए उसने गुण भी उसके बताए कि कैसा होना चाहिए शिक्षक, क्योंकि उसी का प्रभाव बच्चे पर सबसे अधिक पड़ता है। विद्यालय अगला विद्यालय नियमित एवं प्रभावी शिक्षा का एकमात्र साधन है। तो निश्चित है कि आपकी रेगुलर एजुकेशन औपचारिक शिक्षा के संबंध में बात की जाए तो विद्यालय वो साधन है जहां प्रभाव बच्चे का उस वो वातावरण मिलता है जिसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय बच्चों के लिए सुखद और आनंदमय गतिविधियों का एक स्थान होता है। आदर्शवादी विचारधारा में जितने भी दार्शनिक रहे हैं, चाहे वो हमारे भारतीय रहे हैं चाहे वो रहे, विद्यालय उनके लिए वो सुगम, वही वाली बात है कि फिर वही चीज आती कि गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरुकुल हुआ करते थे, मेरे किस प्राकृतिक वातावरण में वो पढ़ते थे बच्चे, है ना, कि उससे ये नहीं हो, उससे फर्क ये होता था कि आप मां अपने साथ साथ प्रकृति से भी संबंधित होते थे। और उसी चीज का तो आज क्यों पर्यावरण के लिए इतना हाय तौबा मची हुई है, आज क्यों इतना प्रदूषण होता, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है वो नहीं समझ पाते हैं, न जाने कितना पानी बर्बाद कर रहे हैं, न जाने कितना धुआं फेंक रहे हैं, कोई नहीं, और शिक्षित हैं बहुत कुछ। शिक्षा और समझ फर्क है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें अलग से अब आपको बताई जाए, पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ला करके अब आपको बताई जाए, नैतिक शिक्षा एक नैतिक शिक्षा का एक किताब दे करके आपको पढ़ाया जाए, ये नहीं, ये तो व्यवहार में आना चाहिए। ऐसा विद्यालय, इस तरह का विद्यालय कि ये उसको व्यवहार में मिल रहा हो सब कुछ, तब वो संतुलित व्यक्तित्व बनेगा। तब तक वो नहीं बनेगा, वही आदर्शवादी विचारधारा बताती है। अब आ जाती है आदर्शवाद की देन, बालक के व्यक्तित्व का आदर। कल से लेके आज तक हम लोग इसको पूरी तरह से जान ही चुके हैं। पूर्ण व्यक्तित्व की बात करते हैं, उसकी प्राप्ति की बात करते हैं, और पूर्ण व्यक्तित्व तभी जब आत्मनिर्भर। नैतिक चरित्र का विकास, ये भी निश्चित है, नैतिकता सबसे ऊपर है। उच्च आदर्शों की स्थापना, आदर्शों की व्याख्या की ही है आदर्शवाद में। शाश्वत मूल शिक्षा का सत्यम शिवम सुंदरम, इस को समझ लिया अगर तो सब कुछ निश्चित हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसलिए शाश्वत मूल शिक्षा का सार बताया है, इस पर अध्ययन
और ये जो है शिक्षा सत्यम शिवम सुंदरम, इस पर आपका शोध का भी विषय बन सकता है आदर्शवाद से जोड़ करके। और आज की वर्तमान प्रासंगिकता पर अगर आप लोग सोचें तो इस पर भी आपका आपके जो शोध है उस पर विषय बन सकता है। दूसरा है संस्कृत की सुरक्षा प्रचार और प्रसार, यह भी आपका शोध का अध्ययन का विषय बन सकता है जिसकी आज महती आवश्यकता। सांस्कृतिक धरोहर, जैसे कल हमने कहा था कि सांस्कृतिक यानी संस्कृति संरक्षण संवर्धन, आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं, उसके संवर्धन के लिए किसकी चीज की जरूरत है, तब वर्तमान में प्रासंग होगा हमारा आदर्शवाद, तब वर्तमान में ये चीज आएगी जिसकी। और अगर इसको आप आज एनईपी से, कल भी हमने बात की थी कि एनईपी से भी अगर आप लोग पढ़िए एनईपी और एनईपी से भी जोड़ने की कोशिश करिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में इस तरह का आपका टॉपिक बन सकता है, शोध का विषय बन सकता है, जो कि आज के लिए रेलिवेंट हो सकता है। और आज जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि हमारी, और उसमें दिया भी है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसको आप ठीक से पढ़िए तो उसमें दिए गए सांस्कृतिक धरोहर वो क्या रहा है, यही चीज हमको सांस्कृतिक धरोहर नहीं तो खत्म हो जाएगी, हम आगे वाले बच्चों में ट्रांसफर नहीं करेंगे और सही वो हमें नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे तो धीरे धीरे खत्म हो गया। बहुत सारी चीजें आप इस पर क्वेश्चनायर बना करके भी इंटरमीडिएट या हाई स्कूल किसी भी इस तरह के में इस संस्कृति को लेकर के आप एक सर्वे भी करा सकते हैं और फिर उसके बाद आप इसको कर सकते हैं कि देखें आप पता चले कि कितना बच्चों को मालूम है। अरे शिक्षा तो अब ऐसी हो गई है कि यहीं पे बैठ करके ताजमहल और कुछ मीनार और दुनिया की चीजों को दिखाइए और बस बता दीजिए खत्म हो गया, कभी भ्रमण विधि नहीं, किस कॉलेज में भ्रमण विधि रही है और कितनी आवश्यक रही है, कोई नहीं रही है। वर्तमान शिक्षा तो उस तरीके की हो गई कि किताबी और ज्यादा हो तो गूगल पर बता दो सर्च कर लो और पढ़ लो। वास्तविक रूप में कब दिखाया बौद्ध के इतने स्थान है, वास्तविक रूप में किसने दिखाया अपने बच्चों को, किस विद्यालय ने, किस विद्यालय, जबकि ये बहुतायत में होना चाहिए, एक दो विद्यालयों की बात नहीं है, हर जगह होना चाहिए, वो संसाधन मिलने चाहिए, तब हमारी सांस्कृतिक धरोहर की जो बात हम करते हैं सही रूप में प्रासंगिक होगी आज वर्तमान में। फिर आता है आध्यात्म और शिक्षा, ये भी बहुत रेलिवेंट टॉपिक बन सकता है, आध्यात्म और शिक्षा, इसको नैतिकता से भी आप जोड़ सकते हैं, आप ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण बन सकता है इस संदर्भ में। आत्मबोध पर बल तो है ही, जो भी इनकी जितना भी चाहे वो मेथड ऑफ टीचिंग हो चाहे इनका पाठ्यक्रम हो वो इसी बात की बल करता है। आदर्शवाद सर्वव्यापी शिक्षा का समर्थन करता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम कर भी हमने आपको बताया था और नीति में भी आया हुआ है। साइंस का बच्चा अगर खाली उसको साइंस ही पढ़ाओगे तो इंजीनियर बन करके चूना लगाएगा, ऐसे पुल बनाएगा, ऐसे वो बनाएगा, उसको क्या मतलब है, कहेगा 30% कमीशन मेरा है ना, ठेकेदार से कहेगा 20 तुम्हारा 30 मेरा 50 में काम कर दो, अब गिर गया तो गिर गया लो, ठीक है ना। तो आपने तो विज्ञान पढ़ाया, उसको खाली विज्ञान पढ़ाया, जिन विषयों से उसकी नैतिकता जागृत होनी चाहिए, जो नैतिक मूल्य उसको मिलने चाहिए वो तो आपने कहीं दिए नहीं, आपने कहा मेरा बच्चा तो साइंस पढ़ गया और बन गया बढ़िया इंजीनियर, और इंजीनियर बन करके फिर ये भी कर गया, करोड़ों कमाल भी लिए, कुल गिरता है तो गिरने तो वो सो रहा है आराम से क्योंकि 30% कमीशन ले लिया है, बात समझ में। तो वही चीज एक संगठित पाठ्यक्रम जो विज्ञान भी पढ़ रहा है उसके कला के विषय भी उसको पढ़ाओ, उसको दर्शन भी पढ़ाओ, उसको ललित कलाओं का भी ज्ञान दो, वो भी दर्शन है उसका भी ज्ञान दो, संगठित रूप से जब आप बात करेंगे तब ऐसे लोग पैदा होंगे और तब वो जिस रोजगार में जाएंगे तब उस नैतिकता को वहां पर रखेंगे, तब वो संस्कृति और की धरोहर की बात करेंगे, तब तक नहीं बात संभव हो पाएगी। इस पर भी आपका जो आज वर्तमान में जो चीजें प्रासंगिक है उस पर भी आप अध्ययन कर सकते हैं। एक चीज और कहनी थी कि जैसे नैतिक शिक्षा की बात है, ये अलग से आपको थोड़ा सा क्योंकि आदर्शवाद पढ़ा रहा है इसलिए मैंने
नैतिक शिक्षा की जो बात है तो जैसे यूपीएससी में भी एथिक्स का एक विषय जोड़ा गया है ना, अगर कोई लोग कभी लिया होगा तो मालूम होगा। अब वो विषय इसलिए जोड़ा गया था कि मसूरी में जब वो जो ट्रेनिंग होती थी तो उसमें ये पाया गया, जब ये देखा गया सबकी कि बहुत घुसखोर हो जा रहा है, ये सब जो भी बन के आते हैं आईएएस पीसीएस और बस करोड़ों इनके पास कहां से आ जाता है, सैलरी तो इनकी इतनी होती नहीं है पर सबके पास खूब। तो ऐसा क्या किया है, इसको आप ऐसे तो नहीं रोक सकते कि दो चार को आपने सस्पेंड कर दिया, दो चार की आपने नौकरी ले लिया, वो नहीं। वातावरण पर आप ऐसा वातावरण बनाएंगे तब होगा, तब तक नहीं हो सकता है। तो वो वातावरण की बात, तो ये सब्जेक्ट जब जोड़ा गया और इस पर ये हुआ कि इसकी जब वो वहां ट्रेनिंग करें तो थोड़ा इस पर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी इनको दी जाए तो शायद सुधार हो, शायद सुधार हो। हाँ बताइए मैम, अपने एजुकेशन में ऐसा क्यों नहीं है, बीएड एमएड के पाठ्यक्रम में ऐसा क्यों नहीं, बीएड एमएड के पाठ्यक्रम में क्या नहीं, एथिक्स क्यों नहीं है, टीचिंग एथिक्स एंड टीचर एथिक्स। बिल्कुल बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बार कॉम्पिटिटिव का टॉपिक था जब एसएससी का पेपर चलता बिल्कुल तब था मैम, पेपर है इतना फॉलो हो रही है तो नहीं हो रहा। तो देखिए ना, आप ही तो वो हैं, वो ऊर्जावान आप लोग हैं जो आप इस तरह का अध्ययन करें और ऐसा रिसर्च करें जो कि जिसके रिजल्ट्स ऐसे आए कि बाध्य हो जाए हमारी पॉलिसी में मेकर्स कि उसमें वो चीज को जोड़ दे, बाध्य होना पड़े उनको। जब कोई चीज बाध्य होनी पड़ती, जब इतनी ऐसी रिसर्च कर आती है, जब रिजल्ट्स आते हैं आपने तब पता चलता क्यों है यूपीएससी में एथिक्स का जोड़ दिया गया, कि नहीं उसको अलग से एक विषय के रूप में इसीलिए जोड़ दिया गया ना कि जब देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है नैतिकता का पतन, ऊपर से लेकर नीचे तक आप पढ़ इतना सब कुछ जा रहा है, फॉलो नहीं किया आपने नैतिक मूल्यों को तो कोई भी फॉलो नहीं। एथिक्स में भी पहले ही छंट जाए, जिनका एथिक्स अच्छा नहीं लिखा जाएगा तो उसमें सबको टेंथ क्लास तक या टेंथ क्लास तक सामाजिक विषय पढ़ाया जाता है उसमें कवरअप हो जाता था, लेकिन व्यवहारिक में ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा है, लोग पार्क में जाके। बात तो वही है, हमने अभी आपसे कहा ना नैतिक शिक्षा की एक पाठ्य पुस्तक ले आए और उसको पढ़ा दिया और हो गया, उसने एग्जाम दे दिया। अभी तक बीए में क्या होता था, पर्यावरण के एक है ऑप्शन दिया, ढेरों बच्चों ने दिया, कर दिया काम खत्म, जागरूक हो गया वो, अवेयरनेस आ गई उनको पर्यावरण के संबंध में। इधर एग्जाम दे रहे हैं दूसरे ही पल, आप देख लीजिए इससे बात नहीं बनेगी, उससे बात नहीं बनेगी। व्यवहार में लाने के लिए वही होता है कि आप जो पाठ्यक्रम के साथ जोड़िए उसको, उसके साथ जोड़िए तब जीवन शैली, जीवन शैली को बदलना है, जीवन शैली वैसी बनानी पड़ेगी। कोशिश तो होगी ना कि आईएएस निकलना तो उनकी जीवन शैली उनकी बदले, वहां जो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी उनको हो प्रेशर तो उसको बदलेंगे। अरे भैया 100 ले रहे हैं ट्रेनिंग तो 20-30 में तो कुछ आएगा एथिक्स थोड़ा, वो तो सोचेंगे, वो तो जागृत होंगे। तो वो चीज है आदर्शवाद की महती आवश्यकता आज नैतिकता के संबंध में सबसे वर्तमान समय में यही, आध्यात्म के संबंध में वर्तमान समय में यही, किस तरीके के ऐसे शोध किए जाए जिससे हम पर्यावरण के से भी जोड़ करके आप कर सकते हैं कि जो हमारी समस्या बनी है, हमारे बच्चे आगे आने वाले बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो समस्याएं हो रही हैं। तो हम कैसे, हमको तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जब तक हम इसको लाएंगे नहीं, वातावरण में नहीं लाएंगे, बहुत ऐसे लोगों को जागरूक नहीं हो पाएंगे तब तक ये संभव नहीं हो सकता। तो इस आदर्शवादी विचारधारा को विचारधारा के रूप में ना पढ़िए, आज वर्तमान में इसके संग आप इसकी उपयोगिता कैसे दिखा सकते हैं बस उस आधार पर आप इसको करिए, और इसमें जो भी संभावनाएं आपको दिख रही हैं शोध की, वो उस क्षेत्र में रिसर्च के जो फिलॉसफी में रिसर्च करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आकर के इस पर अध्ययन कर सकते हैं। थोड़े से और भी चीजें हैं जो आपके रिसर्च के लिए टॉपिक बन सकते हैं,
एक बड़ा रेलिवेंट टॉपिक अब निकल के आ रहा है, शांति शिक्षा। आप लोगों ने, आपने तो बहुत सारे लोगों ने जन दिया हुआ है, तो शांति शिक्षा पर भी थोड़ा विचार करिएगा और इसको भी थोड़ा पढ़िएगा और इसको इससे दर्शन से जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, अध्यात्म और शिक्षा और ई एजुकेशन, ये दोनों आपस में एक साथ लिए जा सकते हैं। बिल्कुल लिए जा सकते हैं। आप उसको, वही तो कह रहे कि उसको आप इन चीजों से, आप शांति शिक्षा है जो, उसको जोड़ने की कोशिश की, और वो इसलिए कि आज उसकी वर्तमान में आवश्यकता शांति शिक्षा, क्योंकि अगर नहीं होती तो क्यों आता। अभी जो पाठ्यक्रम बना है उसमें शांति शिक्षा अभी तक पढ़ा किसी ने नहीं गई। जो नई चीजें आती हैं, ठीक है, जो नई चीजें आती हैं वो क्या है और इनको हम अपने प्राचीन से कैसे जूझ सकते हैं और क्या था प्राचीन, ये सबसे अब किसी भी दार्शनिक का अपने आलोचनात्मक विवेचन कर लिया है ना, और कोई तुलनात्मक विवेचन कर लिया, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे, हमको ऐसा लगता है। जो आज हमारे वर्तमान समय में हो रहा है, जो गलत हो रहा है, वो कैसे रुके, उस पर बात होनी चाहिए। आपके जो रिजल्ट्स आएंगे, आपकी जो निकल करके आएगी, जो रिपोर्ट आएगी, वो हो सकता है इतनी रेलिवेंट हो जाए कि उससे कुछ फर्क पड़ जाए। हो सकता है वो ऐसी भी हो सकती है जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसमें कुछ परिवर्तन कर दें, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजों पर दर्शन में अगर अध्ययन करें तो उस पर आप कर सकते हैं। दूसरी चीज है, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो बात करते हैं कि वैसे तो राधाकृष्णन पर बहुत हुआ अध्ययन, बहुत हुआ, लेकिन जो राधाकृष्णन का जो अध्ययन था, उन्होंने वैदिक आदर्शवाद के बचाव में, वैदिक आदर्शवाद के बचाव में जो कुछ कहा वो आज के वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है। थोड़ा सा इनका विश्वविद्यालय आयोग उसको पढ़िएगा, और ग्रामीण विश्वविद्यालयों की जो बात की थी और ग्रामीण विश्वविद्यालयों का जो स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने, उस पर जब बात होगी तब हो सकता है कि ये बात तब निकल दिया है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद मानव निर्माणकारी शैक्षिक दृष्टिकोण, मानव निर्माणकारी शैक्षिक दृष्टिकोण, मानव निर्माणकारी, इस पर ध्यान होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्वामी विवेकानंद जी को देख सकते हैं। तो ये कुछ इससे और कुछ ये, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, इन पर आप पहले अध्ययन करके, कि तो आप पढ़ी रहे छह महीने, इसको आप अध्ययन करिए, इससे संबंधित रिलेटेड लिटरेचर आप देखिए जो संबंधित साहित्य है, और फिर देखिए कि क्या इस पर कुछ बात बन सकती है। तो आप आदर्शवादी विचारधारा या दर्शन पर थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं, पर रेलिवेंट तभी होगा जब आज की स्थितियों पर करेंगे, और सबसे ज्यादा तो जो NEP 2020 उसको अगर आप जोड़ेंगे आदर्शवाद से, उससे नैतिक मूल्यों से, इस पर कोई विचार करेंगे, आध्यात्म नैतिक मूल्य और शिक्षा NEP 2020 के संदर्भ में, इस तरीके के जो टॉपिक्स आप लेंगे वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिसर्च तो खूब हो रही है, एनईपी पर बहुत अब रिसर्च शुरू हो गई है, काफी लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अपना अपना अलग तरीका है क्षेत्र, आप अपने अलग क्षेत्र से करिए, क्षेत्र से करिए।
विचारधारा का वर्तमान शैक्षिक परिवेश में योगदान, और किसके संदर्भ में? एनईपी के संदर्भ में। बात हो सकती है जबकि सिंपल है ये, लेकिन अगर आप एनईपी के तहत इस पर बात करना चाहते हैं तो ये काम हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं और कुछ आप लोग भी सोच सकते हैं। 75 सुंदरों पे पहले भी आपसे बताया, इस पर भी बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है क्योंकि आज के लिए ये रेलिवेंट है बहुत ज्यादा। शाश्वत मूल्य हमारी नैतिकता को बढ़ाने के लिए, और ये जो जो कुछ हम देख रहे हैं ये पर्यावरण के संबंध में देख रहे हो, चाहे अन्य अनैतिक कार्यों के संबंध में जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो इससे सॉल्व हो सकती है, तो इसको भी लेकर के आप रिसर्च कर सकते हैं, अपना शोध निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज का तो यहाँ कंप्लीट होता है, और कुछ आपको अगर जानना हो तो बताइए, क्योंकि कल थोड़ा सा छूट गया था, कुछ क्वेश्चन हो आपका कोई भी हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे मैं आध्यात्म रूप से सभी धर्म समान बातें बताते हैं, और कभी कभी ऐसे जो धार्मिक क्लेशेस होते हैं वो टकराव सिर्फ इसलिए है कि हमारा धर्म बड़ा है। देखिए आपको शिक्षा से सबसे पहले ये बहुत अच्छी बात आपने की, धर्म को आप संप्रदाय से जोड़ रहे हैं, शिक्षा से जोड़ शिक्षा से जोड़ रहे हैं, तो धर्म का जो वास्तविक मीनिंग है वही शिक्षा बताती है। शिक्षा कभी संप्रदाय से नहीं युक्त होती है, धार्मिक टकराव होता है उस समस्या को। बात यह है ना कि हम उस टकराव को, यानी हम संप्रदाय से जोड़ करके जो लोग है ना, आप मूल तत्व में अगर जाएं, दर्शन तो मूल तत्व की बात करता है, आप मूल तत्व में जाएंगे तो टकराव नहीं होगा, मूल तत्व में लोग जाने ही नहीं देंगे आपको। मैम उसके व्यवहारिक पक्ष की हम बात कर रहे हैं, दर्शन से जोड़ के वो आध्यात्म हम ले चले, लेकिन जब हम उसके व्यवहारिक पक्ष पे आए तो वहां क्लैशेस हो, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? कोई भी बताइए उदाहरण, क्या क्लैशेस होते हैं, क्या आप क्या मतलब आपका कहना है, क्या मतलब कि क्या क्लैशेस होते हैं? विचारधारा पे कि कोई कोई बात करता है तो वो उसका खंडन करने लगते हैं कि नहीं ऐसा है, उसको कैसे खंडन? तो विचारधाराएं हैं सबके, वो तो सभी ने आपको यथार्थवाद की वो आदर्शवाद की यथार्थवाद ने खंडन किया। ठीक है, प्रकृतिवाद कहती है प्रकृति सत्य है, खंडन तो ये विचारधारा है। हमने आपसे पहले ही कहा देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता चला जाता है, हमको तो ये देखना है कि वर्तमान समय क्या है और वर्तमान समय के लिए क्या चीज प्रासंगिक है, क्या चीज महत्वपूर्ण है, वो उसको बदलना है। अगर यही चीज जैसे वर्तमान समय जो हमारा चल रहा है उसी को देख कर तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और उसमें वो चीजें रखी गई, तो हम बात इसकी नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे को तो खंडन करेगी, एक विचारधारा दूसरे का खंडन करती है। आप इसी की मैं ये देखिए, भारतीय दर्शन में एक चारवाक दर्शन भी है। क्या कहता है चारवाक दर्शन? खाओ पियो मौज करो, ठीक है ना, वो कहता है खाओ पियो मौज करो, वही एक ऐसा, और जबकि अधिकतर ऐसे है कि जो नहीं इस बात को कहते, और वही दर्शन यहीं पर भी हुआ, कहता है खाओ पियो मौज करो, ऐसे भी लोग यहीं पर हुए, और उस समय भी हुए जिस समय दूसरी विचारधाराएं दुखों के निपटारे की बात कर रही थी, तभी वो कह रहा है कि मौज करो, बस कमाओ, दूसरों का लोन लेकर के भी, आज यही हो रहा है, लोन लेकर के भी अगर सुख मिल रहा वो भी ले। पांच तत्वों में उसने आकाश को जोड़ा नहीं, चार को जोड़ा, केवल किसको किसको जोड़ा? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश तो नहीं छोड़ा, आकाश से उसका कोई मतलब ही नहीं, अध्यात्म उसका कोई मतलब नहीं, तो कहते हैं चार ही तत्वों से शरीर बनता है, शरीर यही मिट होता चला जाता है, इसलिए फालतू की बातों मत सोचो, बस मौज की बात को सोचो, कैसे मिलेगा पैसा, कैसे मौज आएगी, बस उतनी बात सोचो, तो वो भी दर्शन ही है हमारे ही है। और वैसे भी कहते हैं जितने लोग हैं तो कहते हैं अरे अब बहुत कम उसका रिफ्लेक्शन मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है, नष्ट हो गया है बहुत कुछ। एक चीज और दिमाग में आ रही है कि हमारी जो वैदिक कालीन
इंस्टीट्यूशंस हैं, तक्षशिला है, नालंदा है, ये सब चीज है, जो भी ऐसा कोई, इसको भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार की संस्थाएं वैदिक काल में किस प्रकार की संस्थाएं थी और उन संस्थाओं की क्या उपयोगिता थी और क्या क्या कराते थे वो, जबकि विदेश तक के बच्चे उसमें आते थे, तो उनका पूरा जो स्ट्रक्चर, पूरा पाठ्यक्रम, पूरी चीजें, इसको भी आप, इस पर भी अध्ययन किया जा सकता। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इस तरह की जो संस्थाएं थी, संस्थाएं, और ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आना चाहिए आप, आपको सबको मालूम होना चाहिए, तभी ये विद्यालयों का रूप परिवर्तित हो, इन विद्यालय महाविद्यालयों का रूप परिवर्तित करना है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आने वाली की। वो खत्म हो गया, वो रूप जो वैदिक काल में था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है, तो वो परिवर्तित करने की जिम्मेदारी भी हम आप पर ही है, और जब हम ऐसे अध्ययन करेंगे, तब अध्ययन जब होंगे, तब ये बात प्रचार प्रसार में आएगी। तो वही कहते हैं ना, संस्कृति का प्रचार प्रसार, संवर्धन मतलब संरक्षण और संवर्धन दोनों जरूरी है, प्रचार प्रसार भी जरूरी है, वो भी आपके द्वारा ही होना चाहिए। अगर वो आपके द्वारा नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी नहीं आया, और कुछ और उसमें जुड़ा नहीं तो वो भी नहीं आया, उन्होंने कहा बस केवल वैदिक काल का जुड़ा है, और आप, और आप लोगों ने मौज मस्ती करी चारवाक की तरह, खाया पिया मौज करो, खत्म हो गया, तो वो भी जरूरी है, संवर्धन भी जरूरी है। आलोचना तो सबकी हुई है, इसकी भी हुई है, बहुत सारी आलोचना सबकी, इसकी भी, वो कहता है इसकी आलोचना इस रूप में हुई कि अध्यात्म की बात बताता है, आज वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, रोजी रोटी की बात करनी चाहिए, बेरोजगारी बहुत बहुत है, आलोचना तो आप किसकी रिचा उसकी हो गए, ये तो हमें देखना है कि हमें कितनी चीज लेनी, सार्थकता तो देखिए वही साविता, आलोचना तो सबकी होती है, उन पोस्ट इसके भी है, हर विचारधारा की है, ये तो हमको कि दे क्या क्या ले सकते हैं, जो ले सकते हैं, और वो भी उतना ही जो वर्तमान परिस्थितियों में सूट कर जाए, जो वर्तमान परिस्थितियों में फिट हो जाए, वही हम संत नहीं बना सकते, सबको संत ही बना देंगे क्या, अरविंद घोष हो तो सबको कहते सन्यासी ले लो, सब सन्यास ले लेंगे क्या, अरे चार आश्रम बताए हैं हमारे वैदिक काल में, तो उन आश्रमों का की जिम्मेदारी भी है, उसको पूर्ण भी करना है, लेकिन हर आश्रम की नैतिकता भी है, ठीक है ना, बात इसकी हो कि हम क्या चीज अपनी वर्तमान परिस्थितियों में हम क्या ले सकते हैं, इस पर आलोचना की बात तो सभी, कोई भी हो, सबकी आलोचना, हर विचारधारा की आलोचना, हर दार्शनिक की आलोचना, कल कुछ लोगों ने, किसी ने पूछा था पेपर की बात है, शोध पत्र आदमी हमारा जो था, किसने कहा था कि आपका कोई शोध पत्र ऐसा हो, तो एक हम अपने शोध पत्र की बात करें कि जो नैतिक मूल्य पर, और उसमें एक उदाहरण हमने ऐसा दिया कि जब बच्चा जन्म लेता है, नैतिकता कहां से आएगी और कैसे व्यवहार में आएगी और कैसे उसका वातावरण बनेगा, तो जब बच्चा जन्म लेता है, बहुत सारे जो हमारे आदर्श रहे हैं, जो प्राचीन आदर्श रहे या प्राचीन ज्ञान परंपरा रही है, उसको अगर हम देखें, तो जब बच्चा जन्म लेता था तो माता पिता जो होते थे, जन्म से पहले एक कल्पना करते थे कि भगवान आपकी तरह अनुकरणीय संतान, और उस संतान की जो एक इमेज बनाते थे वो ईश्वर के लोग, और उसकी उस वो ईश्वर के, क्योंकि मां के गर्भ में बच्चा आना और वो ईश्वर की कल्पना करना, नैतिकता की बात है,
उस ईश्वर की कल्पना करना और उस ईश्वर की छवि दिन रात देखना, तो वो सामान्य मानव की बात नहीं करते थे। कहते थे गर्भ से अवतरण, और अवतरण जब हो तो नैतिकता की बात तो हम सिखा ही नहीं सकते, वो तो अपने आप समाहित हो गई। तो वो अवतरण वाली बात वर्तमान समय में आनी चाहिए। जब वो अवतरण वाली बात होगी कि बच्चे का जो जन्म के पहले की स्थिति है वो स्थिति देवत्व वाली हो। हम कहते हैं ना कि गंदी बात है पुरुषत्व से मानित्व और मानस से देवत्व, तो कल्पना करी देवत्व की। और जब बच्चा पैदा होगा तो पुरुषत्व में होगा, ठीक है ना, जो उसकी मूल प्रवर्तात्मक इंस्टिंक्ट जो कुछ भी है उस पर होगा वो। लेकिन कल्पना किसकी हुई, तो यानी उसके अंदर देवत्व समाहित। तो नैतिकता कहने से नहीं आती है, नैतिकता की सोच बनानी पड़ती है। और जब नैतिकता की सोच बनेगी तब वो नैतिकता आएगी। मात्र नैतिक मूल्य बता देने से नैतिक मूल्य नहीं बन जाएंगे। नैतिक मूल्य समाहित होना चाहिए। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, परिवार से समाहित होना चाहिए तब वो नैतिकता। तो वो अवतरण वाली बात जब सोचेगी तो ये आदर्शवाद तब प्रासंगिक होगी। अवतरण वाली बात जब होगी तब नैतिकता प्रासंगिक होगी, और अवतरण वाली बात होगी तब वातावरण में वो चीजें आएंगी जो हम एनईपी 2020 से आपको चिल्ला रहे हैं कि वो सीखा जाए, प्राचीन ज्ञान परंपरा को पढ़िए करिए। ठीक है, तो एक मैम वर्तमान समय में क्या शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण एवं व्यवहारिक जीवन में आदर्शवाद की विचारधारा के अंतर्गत नैतिक आदर्श कितने प्रासंगिक है? एक शिक्षक आकर के कक्षा में कक्षा शिक्षण के दौरान बहुत अच्छी चीजों को प्रस्तुत करता है, बट उसका जो व्यवहारिक जीवन है बाहर निकल करके कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर, इनके बीच में जो आदर्शवादी विचारधारा है वो कितना प्रासंगिक है आज वर्तमान समय में? वर्तमान से तो ये तो बात वही आपने कह दी ना कि प्रभावात्मक शिक्षा को कैसा होना चाहिए, आदर्श रूप में होना चाहिए। तो प्रासंगिक कैसे हो सकती है? शिक्षक के संबंध में भी वो बात पहले आप प्रासंगिक करिए ना। वो आप कह रहे हैं ना कि कक्षा में वो बता गया, आपने यही कहा ना कक्षा में बात कह गया और कक्षा के बाहर गया तो वो बच्चा छोटा है समाज शिक्षक को ज्यादा अंकन करता है, आदर्शवाद जो है शिक्षक केंद्रित ज्यादा विषय है, इसलिए शिक्षक पे कितना ये विचारधारा लागू है और शिक्षक कितना इसको आज के समय प्रासंगिक बना पा रहा है, समाज को कितना दे पा रहा है, इस चीज पे मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए वही तो हम कह रहे हैं कि दुख की बात तो यही है कि नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा, बदलना तो है, यही तो बात है। अगर बदलने की बात ना हो, अगर हमको बदलने की बात ना हो, वर्तमान में हमको नैतिक मूल्य दिखाई नहीं दे रहा, वो केवल शिक्षक के संबंध में नहीं है, सभी के संबंध में। अगर उसके द्वारा नहीं फॉलो हो रहा है तो हमारा पूरा निर्माण बेकार होता चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो माना पड़ेगा। आगे तो आप कौन सा बनने जा रहे हैं, आपको शोध क्यों कराया जा रहा है, आप तो खुद ही प्रासंगिक कर देंगे, आप क्या बनने जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि मसूरी में IAS की अकेडमी में उन्होंने कहा कि ना ऐसे तभी ये जाकर के वहां करेंगे, तो वही चीज आपके साथ है। आप भी तो ये, तो आप जब विचार करेंगे, आप जब मंथन करेंगे, जब आप चिंतन करेंगे,
तब इसका सलूशन मिलेगा। बड़ी दुखद बात है मैम, जब बीएड और मैम